आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो स्टूडेंट वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डाउटनेट यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बॉन्ड लेंथ ऑफ H2+ H2- एंड H2R इन ऑर्डर हमें बॉन्ड लेंथ बताना है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ठीक है बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा किसका किसका एच टू प्लस दिया हुआ है मेरे को एच टू माइनस दिया हुआ है एंड एच टू दिया हुआ है ठीक है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं ठीक है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला था वन बाई टू इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल राइट ठीक है तो अगर मैं एस टू का एस टू प्लस का मॉलिकुलर ऑर्बिटल कन्फ्यूगेशन लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एक इलेक्ट्रॉन है राइट क्योंकि एस टू में दो इलेक्ट्रॉन तो एस टू प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है राइट दैट इज सिग्मा वन एस वन राइट एस टू माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं राइट तो इसमें टोटल नंबर इसका क्या हो जाएगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल कन्फ्यूगेशन सिग्मा वन एस टू सिगमा स्टार वन एस वन राइट और वहीं एस टू का क्या हो जाएगा मेरा सिग्मा वन एच टू इसमें क्या कितने इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है राइट अब अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर राइट तो एच टू प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा वन बाई टू इन टू बॉन्डिंग में कितने हैं वन एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है जीरो दैट इज इक्व टू वन बाई टू एच टू माइनस के वन बाई टू बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन राइट दैट इज इक्व टू वन बाई टू एंड एस टू में मेरा जो मेरा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होगा ये क्या हो जाएगा टू माइनस जीरो राइट यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन एंड नहीं है एंटी बॉन्डिंग में दैट इज इक्वल्स टू वन ठीक है तो जैसे जैसे मेरा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है मेरा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ ये इंक्रीज करता है और बॉन्ड जो लेंथ होता है ये डिक्रीज करता है ठीक है तो सबसे ज्यादा मेरा अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं एच टू प्लस और एस टू माइनस का सेम बॉन्ड ऑर्डर है तो यहां पे हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो जो निगेटिवली चार्ज स्पीसीस है निगेटिवली चार्ज स्पीसीस इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है हायर बॉन्ड लेंथ राइट अब इसका बॉन्ड लेंथ क्यों जाता है बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है और इसकी वजह से बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपलसन राइट इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि एटम पास नहीं यहाँ पर राइट दैट मीन्स कि एस टू माइनस का सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा फिर एस टू प्लस का और सबसे कम होगा एस टू का बिकॉज इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है राइट इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है बट हमने चार्ज से डिसाइड कर लिया तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो एस टू माइनस का सबसे ज़्यादा फिर मेरा एस टू प्लस का फिर एस टू का दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट राइट तो इसका फाइनली करेक्ट आंसर है डी थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ ऐसी लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऑप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ आरोप